in this heated political activity, the Fatehpur Sikri, the interior remains calm, serene, pristine, and business goes as usual. There you see the dargah of Muslim scholar Salim Chishti, who had blessed Akbar with a son for which he had come here. Now, 1600 was when Akbar got his blessings and then made this whole architecture that you see around here. The red stone mixed with marble and all of them, the beautiful structure here now, which is a mosque and is frequented by the more than 18 to 20 lakh people who reside here in Fatehpur Sikri. This particular Lok Sabha constituency, as we just discussed, is also undergoing polling on May the 7th. But the beauty of it, the tranquility, the peace factor here, at times makes you feel that the political heat, no matter what is happening outside of here, the faith, the kind of belief that people have put in from all walks of life, from all irrespective of their caste, creed and religion, come here, pay their obeisance at the Salim Chishti Dargah, and once again it tells us the story of resilience, the Ganga Jamuni Tehzeeb of India, the cultural diversity that India is known for, that is known about, and also the very fact that the biggest democracy in the world, a thriving one, chooses its leader with patience, with a belief that this social fabric remains intact as the days, years and decades pass by. The election fever is gearing, and whether Rajkumar Chahar, the sitting MP of the BJP, manages to get the support of the voters this time around remains to be seen. The Samajwadi Party and Congress, BSP too, have filed their candidates. Remains to be seen whether BJP is able to retain the seat or not. आइए जानते हैं यहाँ पर आए लोगों से जो यहाँ पर रहते भी हैं क्या उनका मानना है. भाई साहब, आप अपने नाम के साथ हमें बताएं कि किस तरह का माहौल यहाँ लग रहा है चुनाव. मेरा नाम मोहम्मद आबिद और चुनाव में माहौल इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बदल ली जाए. अच्छा, राजकुमार चाहर जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हमको बहुत पसंद है वो पर्सनली. अच्छा, लेकिन हम उनकी पार्टी को पसंद बिल्कुल नहीं करते. अच्छा, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है 10 साल से, और इस बार हम उस राजनीति को हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग मिलकर बदलने की कोशिश में हैं. अच्छा, तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि यहाँ से हम जो है पंजे को जिताएं तो ये देखिए है तो ये मुस्लिम बहुल इलाका, आगरा में भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन लोकसभा सीट कुल मिला के फतेहपुर सीकरी. फिर भी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, राजकुमार चहार हैं, फिर रामनाथ शिकारवर हैं कांग्रेस के, और राम निवास शर्मा, फिर एक बीजेपी के ही शायद सांसद के बेटे भी हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका क्या कारण देखते हैं? क्या ऑलमोस्ट सब हिंदू रिप्रेजेंटेटिविज्म हमें दिखते हैं, कोई पार्टी इस तरह के लोगों को नहीं चुन पा रही है कि एक रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम नेता द्वारा हो? मुस्लिम नेता तो नहीं विक्ट्री करेगा यहाँ से. पार्टी तो जीतना चाहती है कैंडिडेट को, मुस्लिम नेता कैसे विक्ट्री करेगा? क्योंकि आजकल लोग वोट जो है समाज से, अपने कौम से देते हैं, तो मुस्लिम तो इतनी पॉपुलेशन यहाँ है नहीं, शायद 1 लाख के आसपास वोट है टोटल. तो उस ये रीजन है, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हम मुस्लिम को वोट दें. उससे हमें एतराज नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कैंडिडेट मेरी कौम का हो. लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई हिंदू कैंडिडेट मुझसे आके ये रिकमेंड करे कि तू मुसलमान है इसलिए हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे. जो कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए. जो बीजेपी बिल्कुल इस कानून पर खरा नहीं उतर रही है, लोगों के खिलाफ भेदभाव करती है, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ है 100%, और हम ये चाहेंगे कि लोग उसको वोट ना करें. देखिए, एक पर्सनल थ्योरी होती है कि कोई भी चीज हो जाने के बाद उसके नुकसान का मालूम पड़ता है. कोरोना चला गया, कोरोना के टाइम में कोई भी भूखा नहीं था, लेकिन कोरोना के जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो अब नहीं रहा है. ऐसे ही 10 साल हो चुके हैं, आने वाला जो टाइम है अगले 1 साल में लोगों को मालूम होगा कि मोदी सरकार की वजह से महंगाई किस चरम पर पहुंच चुकी है. अभी लोगों को एहसास नहीं, अब होगा लोगों को एहसास होना शुरू कि गोल्ड क्या भाव चल रहा है,
किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो बेहतर होगा कि अगर मोदी हार जाए, ये बीजेपी गवर्नमेंट निकल जाए, तो ठीक है। गांधी परिवार बेशक पढ़ा लिखा परिवार है, वो शायद अच्छे से देश को चला पाएगा। चलिए, तो एक बार एक्सपेक्टेशन बदलाव की हवा जो बोलते हैं, चलिए बहुत ही सरलता से अपनी आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चाचा, आपको क्या लग रहा है इस बार मामला, क्या लग रहा है साथ में? देखिए, आप सर्वे कर रहे हैं, आपको पूरी नॉलेज है कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी आपका काम है लोगों की राय लेना, लोगों से पूछना। ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा में चर्चा है, लेकिन मौजूदा में जो राजकुमार चाहर जी सांसद जी हैं, जैसे माहौल बना हुआ है पूरी भारत में, वो बीजेपी के सांसद मौजूदा में आज भी इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा से हैं। जी जी, आगे उनकी तकदीर है। जी जी, चुनाव में तो उतरे ही हैं। हाँ, रहा सवाल ये कि जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, जैसे बीजेपी के और सांसद विधायक जो इस तरह की करते हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसी कमेंट नहीं की है, इसलिए मैं उनसे खुश हूँ। अच्छा। खैर, पहले आपने मेरा नाम नहीं पूछा। मैं नाम हम जरूर बताएं। नजरुद्दीन कुरैशी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा का यहाँ का मौजूदा रहने वाला हूँ और बहुत पीढ़ियों से रहने वाला हूँ। अच्छा। तो इसलिए हमें उनकी जो सबका साथ सबका विकास और जो सर्वो समाज को लेकर चलते हैं, इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ। रहा पब्लिक की मर्जी कि पब्लिक जो चाहती है वो उसी नेचर से इस लोकसभा में गुजरे हैं। लेकिन उनको टिकट जो मिली है कि पहली जीत उनकी 5 लाख के आसपास हुई, 92 में हुई, 92 हजार, 2019 में करीब 4 लाख 92 हजार, लेकिन 5 ही मानिए। हाँ जी, हाँ जी, सही है ना। इसलिए उनको टिकट दी। अब टिकट दी है तो कोई खूबियां हैं, लेकिन जो पब्लिक चाहती है कि ऐसा सांसद हो, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, बंदे के अंदर भेदभाव नहीं है, मान सम्मान देता है, सबकी सुनता है, और इससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एक तरीके से कैंडिडेट में कोई खोट नहीं है जैसा बता रहे हैं बीजेपी के राजकुमार चाहर, क्वाइट अ डायनामिक रिप्रेजेंटेटिव आल्सो, बट जैसे अब हमने बात किया, लोगों से समझा कि किस तरह से उनके प्रति पार्टी को लेके इस बार, अक्सर हम लोग ऐसा देखते थे कि कोई भी नेता सिर्फ मोदी जी के नाम पर या फिर बीजेपी के नाम पर ही वोट ले जाता था, इस बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के नाम की वजह से एक कैंडिडेट को, जैसा फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल रहा है, थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चलिए, I think this is it from us at Fatehpur Sikri. Once again, this Buland Darwaza, कितना बुलंद ये रखता है जिस पार्टी को लेकर वापस आते हैं फतेहपुर सीकरी में, ये एक देखने वाली बात होगी, no doubt. And as history, tradition, and the daily life mingle with each other here at Fatehpur Sikri, we anxiously wait for May 7th when the people of Fatehpur Sikri come out and vote along with 9 other Lok Sabha seats in Uttar Pradesh, all important seats. Definitely Uttar Pradesh holds a lot of significance when as far as Indian polity is concerned, Indian elections are concerned. We'll be bringing you all the latest. This is, as of now, Pankaj Mishra reporting from Fatehpur Sikri with camera person Imran for One India.